हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलका हॉबी जंक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप घर में इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको गुलाब जामुन की रेसिपी नहीं, गुलाब जामुन मिक्स का पाउडर शेयर करूंगी जो कि आप घर में बना सकते हो। और ये इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स बहुत ही चीप पड़ती है, क्योंकि जब भी हमारा घर में गुलाब जामुन खाने का मन करता है तो हम या तो मार्केट से जाकर गिट्स पाउडर ले आते हैं या हमें खोया सुखाना पड़ता है, तभी हम गुलाब जामुन बना सकते हैं। पर आप इस मिक्स पाउडर से क्या होगा कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपका गुलाब जामुन खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स कैसे बनाते हैं और गिट्स पाउडर कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। होममेड गिट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर लिया है, मैदा लिया है और सूजी लिया है। क्वांटिटी मैं इसकी अभी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे। अब हम इस बड़े बाउल में लगभग 10 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। क्वांटिटी आप एकदम एग्जैक्ट रखें, क्योंकि अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई तो हमारा गुलाब जामुन खराब हो सकता है। मैंने लगभग 10 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, आपको क्वांटिटी सेम रखनी है। एक चम्मच मैंने सूजी ली है, आप आधा से एक चम्मच सूजी ले, उससे ज्यादा आपको सूजी नहीं लेनी है, नहीं तो आपका गुलाब जामुन खराब हो जाएगा। और मैदा लगभग हम 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे। 2 मैदा हमने लगभग 3.5 स्पून लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि क्वांटिटी आप सेम रखें, नहीं तो आपका गुलाब जामुन खराब हो सकता है। अब हम इनको, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, जब भी आप मार्केट जाते हैं गिट्स लाते हैं तो वो उसका प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। आपने देखा कितनी आसानी से हम घर में ही गिट्स बना सकते हैं। और इस पाउडर को आप डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हो और जब भी आपका गुलाब जामुन का खाने का मन करे आप इंस्टेंट गुलाब जामुन बना सकते हो। अब आप इस इंस्टेंट गुलाब जामुन के पाउडर को, जैसे आप गिट्स से गुलाब जामुन बनाते हो वैसे ही आप इससे भी गुलाब जामुन बनाएं, या तो आप दही से, दूध से, जैसे भी आप इसको मलते हो वैसे ही आप करें और गुलाब जामुन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज की अपनी इस वीडियो में आपके साथ इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर की है। आप एक बार इसे घर में जरूर बना के देखें। ये उसी तरह लगती है जैसे आप गिट्स मार्केट से लाते हो और उसका गुलाब जामुन बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही बनती है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम गिट्स या रवा डोसा, इडली, कुछ भी लेके आते हैं घर पे और उसे हम बनाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो घर पे ही हम कम रेट में बिल्कुल तुरंत इंस्टेंट गुलाब जामुन बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे डब्बे में भरकर भी स्टोर करके भी रख सकते हो और जब भी आपका या आपके बच्चों का गुलाब जामुन खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं अपने चैनल में हर तरह की वीडियो डालती हूँ जो आपसे रिलेटेड होती है या आपको लिंक करती है, चाहे वो किड से रिलेटेड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की वीडियो हो। तो प्लीज अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।